करें स्टार्ट बेटा फिर क्लास। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये था, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में ना कुछ इस तरीके का था, मैंने बताया था कैसे करेंगे प्रॉब्लम, किस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है, फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस की मल्टीप्लाई चार से करनी है तब आपका वर्क डन निकलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? गुड। नेक्स्ट, तो देखो वैसे मैं इस तरीके की प्रॉब्लम की बात ऑलरेडी कर चुका हूं, सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, याद है आप लोगों को या भूल भूल गए हो भाई? अरे बोल नहीं रहे हो भाई, क्या बात है? इरा, सेम क्वेश्चन बताया था मैंने। ठीक है, तो अब मैं नहीं बताऊंगा ये वाली प्रॉब्लम, अगर किसी को दिक्कत है तो उस कंडीशन में आप मुझसे पूछ सकते हो। बताइए, अगर किसी को नहीं समझ में आया पुराने वाला क्वेश्चन तो आप, आ गया है ना सभी लोगों को? क्या करेंगे बगदा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, एक तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी खूब तबाह के क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को कुछ भी करके आप लोगों को सीखना है। ठीक है, कर पाओगे? पोटेंशियल किसकी वजह से डेवलप होगा? उस चार्ज की वजह से जो चार्ज कहां रखा है, ओरिजिन पर। ओरिजिन पर कितना चार्ज रखा है? 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो एक बार इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकालना है, एक बार यहां पोटेंशियल निकालना है, इस चार्ज को लेकर जा रहे हो, पोटेंशियल का डिफरेंस लेकर इस वाले चार्ज से मल्टीप्लाई करनी है, वर्क निकल जाएगा। ठीक है, बताओ सर हो जाएगा? जी सर, आप अभी सती जी सबका हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना? गुड। चलिए, तो देखो बेटा ये भी प्रॉब्लम आसान है और ये 1 मार्क्स में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर में देखोगे बहुत मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। हम लोगों ने ना एक टॉपिक पढ़ना होता है इसके अंदर, उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा है, सेम। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमेशा एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में 0 वर्क डन करना पड़ता है। कितना वर्क डन करना पड़ता है? क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इसीलिए पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? देखो, हमें कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है कि मान लो कि ये रिंग है हमारे पास में, रिंग ही दे रखा है ना। ठीक है, रिंग विंग कुछ नहीं दे रखा है, यह है कि हमने एक चार्ज को यहां से उठाया और पूरा चक्कर लगाकर यहीं रख दिया उठा के। समझ में आ रही बात? तो अब आप ये देखो बेटा, अगर यहां से चार्ज को उठाकर यहीं रख दोगे ना आप लोग, तो मान लो कि यहां से उठाया तो यहां भी पोटेंशियल वी, इसकी वजह से यहां वी पोटेंशियल बन रहा होगा, और यहीं उठाकर रख दिया तो फिर इनिशियल पोटेंशियल भी वी और फाइनल पोटेंशियल भी वी, पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा 0 और वर्क हो जाएगा 0। 1 मार्क्स में पूछा जाने वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखने में हमेशा 0 वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों को गिवन दिए हैं। एक सरफेस हमारे पास में यहां है, इसका वोल्टेज है 40 वोल्ट, और दूसरा सरफेस हमें यहां है, इसका है 30 वोल्ट, और इनके जो बीच का गैप हमें दिया है बेटा, यह है 2 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बहुत आसान है, देखो कैसे बताएंगे इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस लेनी है जो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ रही बात? पहले डेल्टा वी बताइए कितना होगा। डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल कितना है, यहां का कितना है, कितना हो गया डिफरेंस, 10 हो गया ना, 10। जल्दी से बताओ 10 हुआ या नहीं हुआ। इनके बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन बताइए मुझे कितनी हो गई। आप लोगों को गिवन दे रखी है 2 सेंटीमीटर, मैंने यहां लिख दी बेटा। 2 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10^-2, इससे ये कैंसिल आउट, 5, इसे ऊपर ले जाते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा 500 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों सरफेसेस के बीच में रहने वाला है। समझ आ गया? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में तो बहुत कम है, बहुत कम क्या है ही नहीं, नेग्लिजिबल, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है और प्रीवियस ईयर में भी है, तो 1-2 क्वेश्चन कभी कभार इस तरीके का बन सकता है कि भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में होगा, बताओ बता पाओगे या नहीं बता पाओगे।
अगर कुछ ऐसे सरफेसेस होंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, मान लो कि यहां एक और सरफेस होता, यहां उसका पोटेंशियल होता 50 वोल्ट, कितना होता, और यहां का जो डिस्टेंस होती वो भी 2 सेंटीमीटर होती। आपसे पूछा जाता, बताओ कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है 2 फैक्टर पर, एक तो पोटेंशियल के डिफरेंस पर और एक दोनों सरफेस के बीच के गैप पर। ठीक है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बता दो कितना है, 10 वोल्ट। यहां भी कितना है, डिस्टेंस कितनी है, यहां भी कितनी है, तो दोनों पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कर लोगे ना अपने आप, जल्दी से बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पक्का? ठीक है, ओके। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखो बिल्कुल इसके जैसा ही ये प्रॉब्लम है हमारे पास में, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या लेना है, आपको लेना है पोटेंशियल का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन से डिस्टेंस लेनी है बताइए, कहां कहां पूछा है आप लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे ये बता दीजिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट वॉइंट का नाम हमें दिया नहीं है, कहां हमसे पूछा है, तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट का नाम हमें नहीं दे रखा है ना, तो मान लेते हैं कि हमें यहां बताना है। ठीक है, एक अगर समझ गए तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। ठीक, इस पॉइंट पर बताना है, ये पॉइंट कौन से दो सरफेस के बीच में पड़ रहा है, 10 और 40 के बीच में पड़ रहा है, कितना हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस, कितना हो गया 20 हो गया। डिवाइड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानते हो ना कौन सी होगी, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली जो यहां से भी कितने डिग्री का एंगल बनाए और यहां से भी कितने डिग्री का एंगल बनाए। अब कैसे निकालेंगे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं, यहां पर कर दिया मैंने मार्क। ये बताइए यहां ये पॉइंट कितने सेंटीमीटर पर है, ये कितने पर है, तो ये डिस्टेंस रहेगा ये आपके पास में 20 में से 10 को माइनस करेंगे 10 सेंटीमीटर। देखो बेटा ऐसी कंडीशन बन रही है हमारे पास में, हमारे पास में कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है, ये एंगल 30 डिग्री का है और ये डिस्टेंस हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, हमने इसे नाम दे दिया है एक्स और ये एंगल है हमारे पास में 90 डिग्री। देख लो एक बार अगर किसी को कोई परेशानी हो तो, पीछे मुंद्रम आगे समझ में, कौन सी डिस्टेंस चाहिए इसमें हमें, परपेंडिकुलर, कौन सी बैठेगी परपेंडिकुलर, नाम बताओ, क्या नाम दे रखा हमने इसे, एक्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा एक्स हम लोग, ये बताइए, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अरे होगा या नहीं होगा, तो हमने क्या लिख दिया, साइन 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई 5 सेंटीमीटर। जल्दी बताओ आ गया समझ में, अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल का डिफरेंस तो हम ले ही चुके हैं, कितना लिया है हमने पोटेंशियल का डिफरेंस 20, हमें 5 सेंटीमीटर से क्या कर देना है डिवाइड, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 5 × 10^-2, 5 से इसे कैंसिल आउट किया कितना आ गया 4 × 10^+2, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 400 वोल्ट पर मीटर, 400 वोल्ट पर मीटर। जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे, डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन होगी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। इस सरफेस का वोल्टेज कितना है, इस सरफेस का वोल्टेज कितना है, समझ में आ रही बात, तो डायरेक्शन होगी 40 वोल्ट से किसकी तरफ, 40 से किसकी तरफ, 20 की तरफ, 40 से किसकी तरफ, ऐसे होगी डायरेक्शन, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर 40 से 20 की तरफ। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो मान लो मुझे यहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बताओ मुस्कान कैसे करेंगे यहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें 60 − 40 कितना आएगा 20, फिर राइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बैठेगी, ये वाली। ठीक है, ये 30, ये 20, तो ये कितना रह गया 10, ये कितना रह जाएगा सेंटीमीटर में, समझ गए ना कैसे निकाला है, अरे बताओ भाई, बस 5 से डिवाइड कर देंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, डायरेक्शन होगी हाई वोल्टेज टू एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द, ये सरफेस बनाकर दे रखे हैं ना, इनके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे इस तरफ जाता हुआ, ठीक है, ऐसे इस तरफ जाता हुआ परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, एरो का साइन इस तरफ होगा, जल्दी बताओ क्लियर है या नहीं है, अरे बोलो भाई, हो जाएगा सभी लोगों का,
ठीक है, एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, काफी बड़ी प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, अच्छा सवाल है, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या है। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटोन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटोन। ठीक है भाई, वॉट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिव दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन इन फर्स्ट, वॉट आर द आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या पूछा हम लोगों से, इन अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटोन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम मींस 1H1, 1H, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन, समझ में आ रही बात। अच्छा, मैंने यहां एक इलेक्ट्रॉन लेट कर दिया बेटा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लेट कर दिया, प्रोटोन मेरे पास में यहां है, ये रहा E+, जल्दी बताओ है या नहीं है। उनके बीच का गैप मुझे कितना दे रखा है, उनके बीच का गैप मुझे दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम, बताओ है या नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जहां फोर्स होता है वहां पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता सकते हो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R। तो बेटा 1/4πε0 को हम लिख सकते हैं 9×10⁻⁹, जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, -K 1.6×10⁻¹⁹, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए चार्ज को मैंने नेगेटिव रखा है, यहां पर फोर्स निकालता तो चार्ज को मैं पॉजिटिव रखता, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां हमने अगेन मल्टीप्लाई किया 1.6×10⁻¹⁹, और इनके बीच की सेपरेशन है 0.53 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻¹⁰। क्लियर, सारी फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकल गया जूल में, काहे में निकला, लेकिन वो जूल से संतुष्ट नहीं होगा, वो काहे से संतुष्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से होगा। सेकंड बुक में हमने खूब पढ़ा कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे और कैसे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6×10⁻¹⁹ से डिवाइड करेंगे, समझ रहे हो, और अच्छा हो गया यार, और कैलकुलेशन आसान हो गई नहीं हो गई, हम मल्टीप्लाई से बच गए, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, समझ में आ रही बात। इन दोनों की क्या करोगे आपस में मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड करोगे, आंसर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे। ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा बी पार्ट के अंदर, पहला पार्ट समझ में आ गया सभी को, जल्दी बोलो, ओके। अब उसने हमें बी पार्ट में क्या कहा है, आप जरा समझिए, वॉट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन इन ए। सही मायने में ये जो बी पार्ट है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं यार, सही बताऊं तो मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन बन गया एटम का। एटम का क्वेश्चन कैसे बना मैं आपको बताता हूँ, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। फर्स्ट पार्ट आ गया ना सभी लोगों को समझ में, ठीक है। अब आप देखिए, देखो बेटा यह है न्यूक्लियस, यह बैठा है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन, यह है ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लगा रहा है चक्कर, समझ में आ रही बात, ओके। अब हमें पता है बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है, पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कौन सी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट का हमें पता चला रेडियस से 0.53 एंगस्ट्रॉम पहली ऑर्बिट की रेडियस होती है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है, तो इलेक्ट्रॉन के पास में जो टोटल एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला होगा -K 13.6 Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रॉन के पास में जो टोटल एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला ये होगा, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, जेड की जगह 1 रख देंगे, पहली ऑर्बिट की बात हो रही है, एन की जगह भी 1 रख देंगे, तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकल जाएगी -K 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा ये -K 27.2 Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z की जगह भी 1, N की जगह भी 1, तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल चुकी है, माइनस
27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे समझ में, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल उतनी होती है जितनी की टोटल एनर्जी, बस प्लस में होती है। काय में होती है, ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल उतनी होती है जितनी की टोटल एनर्जी, बस प्लस में होती है। समझ में आ रही बात? अब मुझे एक बात बताना ध्यान से बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास यहां इतनी एनर्जी है। समझ में आ रही बात? हमें इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालकर बिल्कुल एटम के बाहर रख देना है। यहां से निकालकर कहां रख देना है? एटम के बाहर। एटम के बाहर का मतलब है इनफाइनाइट। एटम के बाहर का मतलब क्या है? अगर ऑर्बिट से निकालकर हमने एटम के बाहर रख दिया, थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर तब मुझे जवाब देना। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालकर मैंने बाहर रख दिया, क्या तब भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई अट्रैक्शन काम करेगा? अभी तो ये घर में है, चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर रख दिया, तो बाहर रखने पर इसकी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? समझ में आ रही बात बेटा? यहां तो एनर्जी है माइनस के 13.6, बाहर एनर्जी कितनी है? जीरो। आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालकर बाहर रखना है, तो पूछा कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? वेरी इजी, बहुत आसान है। फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर दो, जीरो में से माइनस कर दो, माइनस के 13.6 को आंसर आएगा प्लस 13.6। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा सा याद करो, एटम के चैप्टर में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, आयोनाइजेशन एनर्जी। याद है आयोनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली बाहर निकालना है, उसके लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला था प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस में होता है, बस काय में होता है। कौन से एटम की बात हो रही है? जेड की जगह क्या रखोगे? एन की जगह क्या रखोगे? समझ में आ रही बात आप लोगों को? जेड की जगह भी वन, एन की जगह भी वन। क्लियर हो रही है ना बात? ठीक है, वन वन रखा आप लोगों ने, तो आंसर कितना आया? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी भाई इतनी एनर्जी, इतना वर्क लगेगा इसे यहां से निकालकर बाहर रखने में। जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं आया? फर्स्ट पार्ट क्लियर है? जल्दी बोलो भाई। सेकंड पार्ट क्लियर है? थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, बस उसने क्या कहा हमें कि डिस्टेंस को बढ़ाकर कितना कर दिया हमने? ये जो पूरा काम किया है ये इतनी डिस्टेंस को लेकर किया है। अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ाकर 1.06 कर दिया, फिर क्या कंडीशन होगी आपको ये बताना है। ठीक है, जल्दी से बताओ, समझे नहीं समझे? बोलो। सभी लोग समझ गए? लग नहीं रहा है मुझे कि तुम लोग समझ गए। 1.06 वाला कर लोगे अपने आप? कौन सी ऑर्बिट की रेडियस होगी 1.06? ऑर्बिट का चक्कर नहीं लगेगा इसके अंदर? 1.06 किसी ऑर्बिट की रेडियस नहीं होती, तुम्हें पूरा फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखोगे, प्रोटॉन का चार्ज रखोगे, इतनी डिस्टेंस से डिवाइड करोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। क्या निकलेगी? उसको दो से डिवाइड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, लेकिन प्लस में निकलेगी। काय में निकलेगी? इससे जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी और इसको दो से डिवाइड करने के बाद में जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, उन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी। वो जो टोटल एनर्जी निकलेगी, बस उसी को प्लस में ले लेना, वही तुम्हारा वर्क कहलाएगा। नहीं समझे? देखो कोई खेल नहीं चल रहा है यहां पर, ईमानदारी से बताना बिल्कुल। नहीं कर पाओगे तो बताओ, मैं बता देता हूं, और अगर कर पाओगे तो तब बताओ, ठीक है हम आगे बढ़ जाते हैं। कर लोगे? ठीक है, कल करके लेकर आना, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस करना फिर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन खूब आते हैं भैया, खूब आते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जरूर आना चाहिए आप लोगों से। उसने कहा कि ऐसी स्थिति से ऐसी स्थिति में जाने पर कितना वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको आइडिया, क्योंकि मैं करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, करेंगे आप लोग इसे। ठीक है, कल मैंने वो एक स्क्वायर वाला सवाल करवाया था, याद है? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, एक पेयर इन दोनों के बीच में बन गया, एक पेयर इन दोनों के बीच में बन गया, एक पेयर इन दोनों के बीच में बन गया, तो बताओ इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई आपके पास में? U1 प्लस U2 प्लस U1 इन दोनों के बीच की एनर्जी है। क्या है एनर्जी का फॉर्मूला? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। 1/4πε0 9×10⁻¹। Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू 3 कूलम, और इनके बीच का गैप, ये निकल गया U1, ऐसे ही निकलेगा U2, ऐसे ही निकलेगा U3। बताओ इनिशियल एनर्जी निकल जाएगी क्या? सिमिलरली ऐसे ही निकलेगी फाइनल एनर्जी। समझ में आ रही बात? इनकी एनर्जी प्लस इनकी एनर्जी प्लस इनकी एनर्जी, निकल गई फाइनल एनर्जी।
इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस करना या फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना, वर्क निकल जाएगा। क्या निकलेगा बताओ, कर पाओगे क्या? बोलो जुनेद, कर पाओगे? ठीक है, मैं टेस्ट में देने वाला हूं ऐसा ही क्वेश्चन, ध्यान रखना, पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, कंप्लीटली, जब तक पूरा करेक्ट आंसर ना निकले तब तक नहीं छोड़ना है आप लोगों को। कर लोगे ना? इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो, क्या निकल जाएगा? वर्क। कितना वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को ऐसा बनाने में? इस सिस्टम और इस सिस्टम में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस पहले कितनी थी, अब छोटा कर दिया, कितना कर दिया? समझ में आ रही बात? इसे यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा आपसे ये पूछा है। दोनों की अलग अलग एनर्जी निकालो और फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो, वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? बोलो, देख लेना कहे में आएगा, वो हम नहीं बता पाएंगे कहे में आएगा। ठीक है बेटा, अब जैसे मैं आपको अभी कुछ देर पहले ये कह रहा था कि वन मार्क्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना वर्क करना पड़ता है? जीरो। कितना करना पड़ता है? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। समझ रहे हो सभी लोग? बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन हमारे सामने बनता है, व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल क्यों बनाता है? इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि वर्क की वैल्यू जीरो होती है। वर्क की वैल्यू क्या होती है? और 90 डिग्री में ही वर्क हमारा जीरो बनेगा। और दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर रखता है। कैसा नेचर रखता है? कंजर्वेटिव नेचर रखने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और दूसरा कारण हमने आपको बताया, वर्क की वैल्यू क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में जीरो वर्क करना पड़ेगा। समझते हो क्यों करना पड़ेगा जीरो वर्क? वैशाली समझती हो क्यों करना पड़ेगा जीरो वर्क? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? अगर ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जितना पोटेंशियल यहां होगा बिल्कुल उतना ही पोटेंशियल यहां होगा। और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है? के में से के माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, इसीलिए वर्क जीरो करना पड़ेगा। लिख लो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है अपनी कॉपी में। आप लोग देखो, जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, एक भी क्वेश्चन को आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। चाहे आप जब भी कैलकुलेशन करोगे, दो मिनट, तीन मिनट, पांच मिनट एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन अपने हाथ से कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, बीच में मत छोड़ना क्वेश्चन को बिल्कुल भी। हो गया? चलो, क्या है प्रॉब्लम जरा देखिए, लाइन दिख रही है आप लोगों को? क्या पूछा है आप लोगों से कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने वाला है और कहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है? कम। अब हमने कहा था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दो सरफेस के बीच में डिपेंड करता है पोटेंशियल के डिफरेंस पर और उनके बीच के डिस्टेंस पर। समझ में आ रही बात? और डिस्टेंस भी कौन से वाली? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन से डिस्टेंस? ठीक है, अब जैसे ए पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है, आई थिंक पोटेंशियल का डिफरेंस तो सब में सेम है। सेम है ना? ए पॉइंट इसके और इसके बीच में आ रहा है, कितना है पोटेंशियल? 50, 40, 30, 20, 10, 10 का फर्क है सब में। पोटेंशियल डिफरेंस तो सब में सेम है। अब आपको देखना है गैप। क्या देखना है बेटा? ये वाला गैप, ये वाला, ये वाला गैप, ये वाला गैप, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, कुछ डेटा वेटा दे रखा है तुम लोगों को गैप का? कोई डिस्टेंस का डेटा वेटा दे रखा है? नहीं दे रखा है। और देखने में भी ऐसा लग रहा है जैसे तीनों गैप इक्वल है ना? तीनों गैप इक्वल, तो इसका मतलब है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा
बिल्कुल उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहां होगा और बिल्कुल उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहां होगा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस और गैप, परपेंडिकुलर गैप, तीनों जगह कैसा है हमारा सेम। तो आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। क्लियर हो गई ना बात, कर लीजिए सेवी नोट। हो गया। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में है, ये ग्राफ दे रखा है आप लोगों को, दिख रहा है? मैंने पहले भी कहा था कि ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, और स्पेशली ऐसे क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। बेटा ग्राफ किस किस के बीच में है जल्दी से आप हमें ये बताइए। वाई एक्सिस पर कौन है? वी। और एक्स एक्सिस पर कौन है? 1/r। तो ये जो पहले वाला ग्राफ है Q2 वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी Q2 की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, और Q1 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी Q1 की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल भी हमारा नेगेटिव होता है, आप सब जानते हैं। समझ में आ रही सभी लोगों को बात? तो पहला आंसर तो हमारा ये हो गया कि Q2 कैसा है? पॉजिटिव। और Q1 कैसा है बताइए, समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, दूसरा हमें क्या कहा है कि कौन से चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी और कौन से चार्ज की वैल्यू कम होगी, आपको ये बताना है। अब चार्ज की वैल्यू को हम कैसे बता पाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। बेटा ग्राफ बन रहा है V और 1/r के बीच, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम में से हमें कोई बता सकता है क्या होता है? बता, होता है या नहीं होता है? KQ 1/r होता है 1/r। इस 1/r को हम यहां से उठाकर वी के अपॉन में ले गए, तो ये बन गया वी 1/r is equal to KQ। देखो बेटा एक बात बताओ, ये जो V है ये हमारा Y एक्सिस है नहीं है, और 1/r हमारा Y अपॉन X को हम बोलते हैं tan थीटा, और tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? तो बताओ tan थीटा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया या नहीं हो गया? tan थीटा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया या नहीं हो गया? यानी X एक्सिस से जो ज्यादा एंगल बनाएगा उसका चार्ज ज्यादा होगा, बिकॉज tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। तो ये बनाता है इतना एंगल और ये बनाता है इतना एंगल, बताओ कौन ज्यादा एंगल बनाता है, Q2 या Q1? Q1। तो हम क्या लिखेंगे, मॉड Q1 इज ग्रेटर देन ऑफ मॉड Q2। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं? ठीक है, Q1 कैसा है हमारा, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्लियर है क्यों है? Q2 कैसा है हमारा, समझ में आ गई बात क्यों है? ठीक है, फिर हमने कैसे बताया कौन ज्यादा है और कौन कम है, हमने स्लोप के कॉन्सेप्ट से बताया। स्लोप निकालने का तरीका, वाई का कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई पर कौन है वी, एक्स पर कौन है 1/r, तो बन गया वी अपॉन 1/r, और ये बन जाएगा के क्यू के इक्वल। के तो हमारा कॉन्स्टेंट रहता ही है, वी 1/r को हम कहेंगे वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स को हम बोलते हैं टेन थीटा। सो टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी चार्ज, जिसका एंगल ज्यादा उसी का चार्ज ज्यादा, Q2 का एंगल कम है और Q1 का ज्यादा है, तो Q1 ज्यादा है और Q2 कम है। मुंद्रम समझ में आ गया? ठीक है, बाकियों को आ गया ना समझ में? ओके, क्लियर है, बढ़े आगे, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, दिख रहा है? ये बताइए सबसे पहले, क्या बात है तुम्हारा लिखा नहीं अभी तक तुमने मिसबा,
इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए बेटा किस डायरेक्शन में है, जल्दी से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? वाई के डायरेक्शन में। बुद्धिजीवी लोगों, किसके डायरेक्शन में है? इधर एक्स की अपोजिट डायरेक्शन में है ना। कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? 300। ठीक है, ए बी सी तीन पॉइंट हमें दे रखे हैं, ए बी और सी, दिख रहा है ना आप लोगों को। हमें क्या कहा? हमें कहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी और बी सी। ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में बताना है? ए और बी, ए और बी। सो ए और बी में इनिशियल क्या हो गया? ए, और फाइनल क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में है तो एक्स का ही कोऑर्डिनेट हमें लेना है। बताइए एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर? यहां क्या है? 4-4 0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर आ गया 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी इज 0। जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स की डायरेक्शन में तो आपको लेना है एक्स का ही कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही बात? फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट को माइनस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई किया, पोटेंशियल का डिफरेंस निकल गया। अब बताओ किसके किसके बीच में पूछा है? बी और बी का बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है? -3। जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? डिफरेंस देखो कितना होगा, 7 होगा, 7। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? मल्टीप्लाई कर दो, 2100 वोल्ट आ गया आंसर, आ गया। तो बी और सी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 2100 वोल्ट। जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे? एक मिनट का काम है, कुछ भी नहीं है, एक मिनट तो लगी भी नहीं बल्कि हम लोगों को। ठीक है, समझ गए ना? जिसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वही कोऑर्डिनेट आपको लेना है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी वाई की डायरेक्शन में होता, किसके डायरेक्शन में, तो कितना कोऑर्डिनेट लेते? 4। और यहां क्या है? 4 और 1 का डिफरेंस 3, 3 की मल्टीप्लाई किससे करते? 3 से, 900 आंसर आ जाता। नहीं समझे? क्लियर है ना? और अगर जेड की डायरेक्शन में होता तो जेड का कोऑर्डिनेट यहां है ही नहीं, तो आंसर क्या आता? 0-0 आता। जल्दी बोलो समझ चुके हो पीछे? ठीक है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फॉर होलो स्फेरिकल शेल। मैं लिख देता हूं, जो का तू नोट पॉइंट बनाकर लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फॉर होलो स्फेरिकल शेल। होलो स्फेरिकल शेल, ठीक है, होलो स्फेरिकल शेल। बेटा इसके सरफेस के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को फैला रखा है, या तुम नेगेटिव चार्ज को फैला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। ये अंदर से पूरा होलो है, ठीक। देखो इस ग्राफ की अच्छी बात यह है कि जितना पोटेंशियल इसके सेंटर पे होगा बिल्कुल उतना ही पोटेंशियल हर जगह होगा। देखो बात सुनो, अगर सेंटर पर V है ना, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट। और जैसे जैसे आप सरफेस से बाहर जाना स्टार्ट करोगे पोटेंशियल डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ये पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में बनने वाला ग्राफ है बेटा। मैंने कहा कि यहाँ सेंटर पर 5 वोल्ट है, कितने वोल्ट है सरफेस पर बताओ कितना होगा? 5 वोल्ट ही होगा सरफेस पर भी। अगर सरफेस पर 5 वोल्ट है सेंटर पर बताओ कितना होगा? सेंटर पर भी 5 ही वोल्ट होगा। यहां पूछ लिया, यहां बताओ कितना होगा? 5। यहां कितना होगा? यहां कितना होगा? यहां भी 5। और सरफेस से बाहर जाना स्टार्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो गया? अगर यही इस गोले पर चार्ज, यही चार्ज नेगेटिव होता कैसा होता? तो यही ग्राफ हमारा कैसा बनता बेटा? अगर यही चार्ज नेगेटिव होता ना, तो यही ग्राफ हमारे पास में कुछ ऐसा बनता। नेगेटिव चार्ज होगा ग्राफ नीचे बनेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा ग्राफ ऊपर बनेगा, क्योंकि चार्ज ही तय करता है कि पोटेंशियल नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। क्लियर? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैं बताऊं, ओके, क्लियर?
ये क्वेश्चन कैपेसिटेंस का है सही मायने में, और यहाँ बताना भी सही नहीं रहेगा आप लोग, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन हो जाएगी अगर मैं यहाँ बताऊंगा आपको, और कैपेसिटेंस हम कल पढ़ने ही वाले हैं, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन कैपेसिटेंस में आता है कॉमन पोटेंशियल निकालना, ठीक है। दो बॉडीज़ को कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, जिसे हम कॉमन पोटेंशियल का नाम देते हैं, वो हम कैपेसिटेंस में पढ़ते हैं, तो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे इसे, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन बन जाएगी वो। लो भाई ये है क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है यार, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। क्या है जरा समझिए, एट आइडेंटिकल ऑयल ड्रॉपलेट्स, कितनी है भाई, एट, ठीक है, एट ड्रॉपलेट्स हैं, ये बना दी हमने यहाँ एट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। एक की रेडियस को मान लिया है स्मॉल आर, और एक के ऊपर चार्ज लेट कर दिया है क्यू, तो बताओ एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। एक ड्रॉप का पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक ड्रॉप का चार्ज कितना है, रेडियस कितनी है, और एक ड्रॉप का पोटेंशियल आपको 5 दे रखा है इक्वेशन 1। बोलो समझ में आ गया क्या, एट ड्रॉप है, एक ड्रॉप का पोटेंशियल मैंने यहां लिख दिया। अब उसने कहा इन सारे ड्रॉप्स को कंबाइन करके हमने एक बड़ी ड्रॉप बना दी जिसकी रेडियस है आर और चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। तो बता सकते हो बड़ी ड्रॉप पर पोटेंशियल कितना होगा, बड़ी ड्रॉप पर पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ी ड्रॉप का चार्ज अपॉन बड़ी ड्रॉप की रेडियस। अब हमारे पास में होता है चार्ज को ऐड करने का एक नियम, एक लॉ, जिसे हम बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एक ड्रॉप का चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, 8 ड्रॉप को आपस में जोड़ोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू की जगह 8 स्मॉल क्यू आ गया, क्योंकि चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। जल्दी बोलो समझ में आ रही है, ठीक है। बड़ी ड्रॉप का रेडियस कितनी है, छोटी ड्रॉप की रेडियस। अब ऐसे ऐसे सवाल हम लोगों ने 10th में पढ़े हैं सरफेस एरिया और एंड वॉल्यूम में। इन छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम जितना होगा बिल्कुल उतना ही वॉल्यूम बड़ी ड्रॉप का होगा, होगा या नहीं होगा। तो बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम को मैं क्या लिख पाऊंगा, 4/3 पाई कैपिटल R³। छोटी ड्रॉप कितनी है, 8, और एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल R³। बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम छोटी 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 ड्रॉप के वॉल्यूम्स के सम के इक्वल रहेगा। समझ में आ रही बात, ये कैंसिल आउट हो गया। अरे समझे, कैपिटल आर की वैल्यू निकलेगी यहां से 2R। क्या निकलेगी, कैसे, 8 को लिख पाएंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर, ये 3, ये 3, ये 3 कैंसिल आउट, कैपिटल आर आ गया 2 स्मॉल R। देखो अब आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिखा है बेटा, स्मॉल क्यू, ये क्या लिखा है R की जगह, अच्छा ऊपर से क्या बच गया, 8, R की जगह 2R लिखेंगे, 2 यहां लिख दिया मैंने। समझ में आ रही बात, बताओ ये किसकी वैल्यू है, जल्दी से बताओ ये किसकी वैल्यू है, छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल की वैल्यू है या नहीं है। कितना है छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल, 5, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, बताओ कितना आंसर आया। बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो 20 वोल्ट होने वाला है। जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे, पक्का समझे, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी ना किया करो। इस बार छोटी छोटी 27 ड्रॉप है हमारे पास में, 27 ड्रॉप है, ठीक है। छोटी ड्रॉप का चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, छोटी ड्रॉप की रेडियस कितनी है, बताओ कैसे लिख पाएंगे, और छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल दे रखा है 5, क्या दे रखा है, जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया। इन सभी को कंबाइन करके ये हमने बना दी बड़ी ड्रॉप, और बड़ी ड्रॉप की रेडियस है हमारे पास में कैपिटल आर, बड़ी ड्रॉप का चार्ज है कैपिटल क्यू। बताओ बड़ी ड्रॉप के पोटेंशियल को हम क्या लिख पाएंगे, जल्दी बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, जल्दी बताओ, पक्का। वंशिका कैपिटल क्यू को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 27 स्मॉल क्यू, क्यों लिखा इसे, 27 ड्रॉप को कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप हमने तैयार करी है, तो उस बड़ी ड्रॉप का चार्ज छोटी ड्रॉप के चार्ज के सम के इक्वल होगा, क्लियर, जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ओके। अभी हमें निकालना है कैपिटल आर, क्या निकालना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन होता है ये,
कैपिटल आर इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। एन का मतलब है नंबर ऑफ ड्रॉप, नंबर ऑफ बताओ कितनी ड्रॉप्स हैं आपके पास में, 27 की पावर इंटू स्मॉल आर। बताओ 27 को हम क्या लिख पाएंगे, 3 टू दी पावर 3 की होल पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, क्या बन गया बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, कितना आ गया। अब ये बताओ कितना है, ये कितना है, ये कितना है, 1/4πε0Q/R कितना है, और ये कितना है, मल्टीप्लाई करोगे, बताओ बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, पक्का। अगर आप इसे बहुत आसानी से और आसान तरीके से आप इसे करना चाहते हैं तो फिर कुछ शॉर्ट फॉर्मूले हैं हमारे पास में। फॉर्मूले ये हैं, बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल के एन की पावर 2/3 टाइम्स होगा। बड़ी ड्रॉप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो छोटी ड्रॉप के इलेक्ट्रिक फील्ड के 1/1 एन की पावर 1/3 इंटू ई टाइम्स होगा। बड़ी ड्रॉप की जो रेडियस होगी वो छोटी ड्रॉप के रेडियस के 1/3 इंटू स्मॉल आर होगी। ठीक है, ये आप अगर चाहो 1 मार्क्स में अगर आता है तो इससे आप कर सकते हो, और अगर पूरा बड़ा सवाल आता है तो आप इससे कर सकते हो। जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे, समझ गए हो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे तब मानेंगे हम समझ गए हैं। इस बार आपके पास में 1000 ड्रॉप है, 1000 ड्रॉप, और सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल है आपका 10 वोल्ट। सिंगल ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है आपके पास में। क्या बना आंसर, 1000 ही बन रहा है, 100 या 1000 मुस्कान क्या बना आंसर, 1000। अभी चल तुम्हारा प्रियम नहीं बन पाया, सुहेल 1000 ही बन रहा है, हिताक्षी क्या आंसर बना, 1000 ही है, इधर वैशाली मतलब बन गया है, जबरदस्ती का काम है बिल्कुल। ठीक है, अगर नहीं हो गया तुम्हारा, नहीं हुआ है तो मैं बताऊं, हो गया, हो गया इस बार तुम्हारा हुआ या नहीं हुआ? दो ही चीजें हैं बस, फालतू की बात हटा दो, यस और नो। मैं करूं, इन्हीं के चक्कर में मत पड़ो भाई, अपने आप से ध्यान रखो। ठीक है, नहीं हमें आई वो चीज या नहीं आई, नहीं आई तो पूछ लो, आ गई है तो ठीक है, ठीक है। हाँ भाई पीछे सबका आ गया, 100 किसका आ रहा था, किसने बताया था मुझे 100 आ रहा है आंसर, सही हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई हमारे पास में, ये एक क्वेश्चन मैंने बीच में रोक दिया था ना, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद पोटेंशियल हमारा फिनिश, कल से हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इस लास्ट क्वेश्चन में क्या आपको समझ में आ रहा है और क्या आप कर सकते हो इसके अंदर से, एक बार देख लीजिए, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, है बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज का फेर है इसका, थोड़ा लैंग्वेज से बच्चा घबरा जाता है, बाकी है कुछ नहीं इसके अंदर, इजी क्वेश्चन है बहुत। दो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो डाइपोल बनाएंगे पक्का। ठीक है, एक रखा है 0 0 माइनस ए पर, एक रखा है 0 0 प्लस ए पर, x भी 0, y भी 0, z की वैल्यू a है, यानी z एक्सिस पर रखा है, कौन से एक्सिस पर रखा है, समझ रहे हो सभी लोग। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 0 0 z, 0 0 ओके, एंड x y, बहुत आसान एकदम से क्वेश्चन हो जाएगा, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन वेयर r अपॉन a इज ग्रेटर देन ऑफ 1, वो r स्क्वायर को ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा आर के कंपैरिजन में। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो अब कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से,
ये हो गया हमारे पास में z, ठीक है बस z ही ले लेते हैं। देखो सुनो ध्यान से, यहां रखा है माइनस के q, यहां रखा है प्लस के q, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, और बीच में है हमारे पास में ओरिजिन 0 0 a, ये डिस्टेंस भी है a यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस भी है a यहां से यहां तक। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, समझ रहे हो आप लोग? और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये r है, क्या है? अब बताओ निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? भाई पहले हम इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकालेंगे, कितना आएगा जल्दी बताओ? माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, आएगा या नहीं आएगा? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है a, ये कितनी है r, तो कितना हो गया? ओके, अब दूसरे वाले की वजह से निकालते हैं तो कितना आएगा? KQ अपॉन ये डिस्टेंस कितनी, ये पूरी कितनी है, ये कितनी है? जब इसकी वजह से यहां निकालेंगे तो इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ना, आर माइनस टोटल पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे? वी इज इक्वल टू वी वन प्लस, जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे? बोलो, कोई समस्या है तो बताइए आप हमें, क्लियर हो गया? तो इतना हो जाएगा हमारा पी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। के की जगह क्या रखोगे? दोनों को ऐड करोगे, ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे आप किसी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हैं? एक्सियल पॉइंट का तो पता है सभी लोगों को, वहां पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी डेरिवेशन हो गई है। नंबर टू क्या है हमारे पास में? कुछ कोऑर्डिनेट दे रखा है किसी के पास में क्वेश्चन? एक्स वाई करके है कुछ? नहीं है, मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा नहीं तो फिर ये। एक्स वाई जीरो क्या है बेटा? अब एक्स वाई जीरो का मतलब आप देखिए क्या है, देखो गौर करके जरा, ये डाइपोल है बेटा मेरे पास में, यहां चार्ज कितना है, यहां कितना है, ये सेंटर, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? एक्स वाई जीरो का मतलब क्या है? एक्स वाई जीरो का मतलब है कि पॉइंट यहां कहीं है, पॉइंट यहां कहीं मौजूद है, ठीक है मौजूद। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स वाई कॉमा, यहां के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं मुझे क्या है? यहां के कोऑर्डिनेट है 0 0 - a, यहां के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? जब इसकी वजह से यहां निकालोगे और इसकी वजह से यहां निकालोगे तो ये डिस्टेंस निकल कर आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? है तो बहुत आसान, लेकिन बायो वाले भी बैठे हैं ना यहाँ, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से ही कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट में समझने में उन्हें दिक्कत होगी। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारे पास में, ये डिस्टेंस हो गई है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों डिस्टेंस सेम, ये चार्ज कैसा है, ये कैसा है? नेगेटिव की वजह से निकालूंगा उतना ही वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव की वजह से निकालूंगा उतनी ही वैल्यू पॉजिटिव, दोनों को ऐड करूंगा आंसर जीरो आएगा। जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे? तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? कितना होगा बताओ, क्लियर है या नहीं है? अभी भी तुम ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हो क्लास के अंदर, तुम्हारे अंदर खोट नजर आ रहा है मुझे जबरदस्त वाला। हाँ बिल्कुल पक्का, मतलब तुम एक फॉर्मेलिटी सी पूरी कर रहे हो यार, मैंने तुम्हें 10 बार कह दिया अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो भाई उसे पूछोगे नहीं तो मैं कहां से जवाब दूंगा उस चीज का। तुम्हें अगर किसी चीज में कोई परेशानी लग रही है तो क्लियर कर लेना उसे, दूसरों के चक्कर में आकर ये मत कह देना कि हाँ सर मुझे भी समझ में आ गया, दूसरे को समझ में आ गया तो हाँ मुझे भी समझ में आ गया, ऐसा काम मत करना भाई, ठीक है? ये फाइनल प्रिपरेशन है आप लोगों की, इसके बाद आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जहां भी समस्या आ रही है उसे क्लियर करके चलना बिल्कुल अच्छे से। ये समझ में आया? बताओ पीछे वाली रो, सबको आ गया समझ में? कितना पोटेंशियल होगा? इसकी वजह से उतनी ही डिस्टेंस, इसकी वजह से उतनी ही डिस्टेंस, यहां नेगेटिव यहां पोटेंशियल हो गया जीरो, ठीक है? तो पहला पार्ट क्लियर हो गया सभी का। दूसरे पार्ट में आपको पता है क्या करना है? जो पहले पार्ट में यहां पर हम क्या कर रहे थे, पोटेंशियल निकाल रहे थे, वहां नीचे की तरफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा? ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेना है आर के कंपैरिजन में, बिकॉज आर अपॉन ए इज ग्रेटर ग्रेटर ऑफ वन है। तो पहला पॉइंट भी क्लियर,
दूसरा पॉइंट भी क्लियर, क्लियर। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, Z का कोऑर्डिनेट कितना है, यहां भी कितना है, ये एक इक्वी, ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट से पास हो रहे हैं। कहां से पास हो रहे हैं, ध्यान से, और इक्विटोरियल पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, क्या होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जीरो वर्क करना पड़ता है, कितना वर्क करना पड़ता है, तो बताओ यहां से लेकर यहां लेकर जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो वर्क करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इसमें पता चल गया क्या करना है, इसमें पता चला क्या करना है, ठीक है। तो इसके साथ पोटेंशियल हमारा फिनिश, पोटेंशियल के अंदर हमारे पास में कुछ नहीं बचा, सब हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है। तीन पोर्शन आपके कंप्लीट हो गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फोर्स, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, और ये आपका पोटेंशियल है। कौन कौन सी डेरिवेशन आपको पढ़नी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब दो दिन हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, कल तो क्लास आपकी 3 बजे से ही रहेगी, फ्राइडे जो आपकी क्लास रहेगी वो थोड़ी लंबी रहेगी, ठीक है। 2 बजे फ्री हैं सभी लोग, 2 बजे से होगी आपकी फ्राइडे की क्लास, क्योंकि कैपेसिटेंस में हमें टाइम कम मिल पा रहा है, 2 ही दिन मिल पा रहे हैं हम लोगों को, एक थर्सडे है और एक फ्राइडे है, तो फ्राइडे की क्लास थोड़ी बड़ी रखेंगे हम लोग, जिससे कि हम अपने कैपेसिटेंस को पूरा कर पाए, ठीक है। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होंगे कैपेसिटेंस में, एनसीईआरटी के मिलाकर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना, अच्छे से पढ़ के आना कल जब आओगे, और कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा तो मुझसे क्लियर करना, ठीक।